आदाब नाजरीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। 19 दिसंबर को आई सदन पुलिस स्टेशन हदूद में मोहम्मद तारिक अली उर्फ बाबा खान के कत्ल में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए हैदराबाद पुलिस ने 39 साल रियल एस्टेट ताजिर मोहम्मद तारिक अली उर्फ बाबा खान के वहशियाना कत्ल के सिलसिले में 7 अफराद और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। साउथ ईस्ट जोन के तहत आई सदन पुलिस ने ये गिरफ्तारियां अंजाम दी। जुमे को मीडिया से खिताब करते हुए साउथ ईस्ट जोन DCP रोहित राजू ने कहा कि तारिक अली पर 19 दिसंबर की सुबह तकरीबन 3 बजे रामचंद्र नगर ईदी बाजार में वाक़ उनकी रिहायशगाह के करीब मोहलिक हथियारों से हमला किया गया। बारीक बीनी से तफ्तीश के ज़रिए और मोतबर मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने 21 दिसंबर को संतोष नगर में बरहाना शाह दरगाह कब्रिस्तान के करीब से 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद नाबालिग समेत बाकी 2 अफराद को 22 दिसंबर की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए नौजवानों की शिनाख्त 24 साल मोहम्मद मजहर उर्फ छोटू, 21 साल शेख मुजम्मिल उर्फ शेख मुबीन, 23 साल कलीम खान, 30 साल मोहम्मद अफरोज सिद्दीकी, 21 साल खालिद उस्मान अंसारी, 20 साल मोहम्मद आमिर और एक नाबालिग शामिल हैं। तहकीकात से पता चला है कि इस जुर्म के पीछे मकसद PDS चावल की खरीदो फरोख्त से मुतालिक एक कारोबारी तनाजिया था। मुलजिमीन और मकतूल नौजवान सभी संतोष नगर के रहने वाले हैं। DCP रोहित राजू ने मजीद कहा कि तमाम मुलजिमान ने जुर्म में अपने मुलविस होने का इतराफ़ किया है और तवक्को है कि उन्हें जल्द ही मुअज्जिज़ अदालत में पेश किया जाएगा। इस मौके पर साउथ ईस्ट जोन के DCP रोहित राजू ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। दिन सुबह 3 बजे अपना IS सदन TS लिमिट्स में एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ। उसका क्राइम नंबर है 281/23 अंडर सेक्शंस 302, 148, 201 रेड विथ 149 एंड ऑल्सो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हुआ। इसमें डिसीज का डिटेल्स मोहम्मद तारिक 39 ईयर्स ओल्ड है, ऑक्यूपेशन रियल एस्टेट। उसमें हमें CCTV फुटेज एनालाइज किया और जो भी टेक्निकल डाटा मिला वो भी एनालाइज करके इसमें 8 लोगों को अप्रेंट किया हमने। इसमें 7 लोग जो इन्वॉल्व हुआ उसमें मर्डर में इन्वॉल्व हुआ और एक बंदा मनेगोड़ा का रेजिडेंट है, वो स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 201 में इसको इंक्लूड किया। मेन मोटिव, ये मर्डर का मेन मोटिव है, ये जो भी अक्यूज है इसमें A1 छोटू, ये PDS राइस का बिजनेस करते, बाकी जो भी अक्यूज A2 to A6 ये लोग भी पूरा उसको जो भी मटेरियल मतलब कलेक्ट करके उसको बल्क में देते, वो आपस में छोटू A1 बीदर में PDS राइस का बिजनेस करते। इसमें क्या हुआ, अपना डिसीज तारिक अली इन लोन से मतलब मंथली वसूली टाइप में 1 लाख का डिमांड कर रहे हैं, नहीं तो मैं मतलब पुलिस अथॉरिटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैं इन्फॉर्म करूँगा, तेरे पे केसेस बुक करवा दूँगा बोल के उसको धमकी दिया। ये एक इशू है, झगड़ा है इन लोगों के बीच में। और इसके अलावा अक्टूबर महीने में करमान घाट में एक सामा बार एंड रेस्टोरेंट में ये अक्यूज इसमें A1 और इन लोगों का गैंग दारू पीते टाइम पे दूसरे गैंग से झगड़ा हुआ, इसमें तारिक अली इन्वॉल्व होते, मतलब 2 लाख अपना छोटू से लेके सेटलमेंट करने के लिए कोशिश किया, वो भी एक इशू इन दोनों के बीच में चल रहा था। तभी छोटू और जो भी ये अक्यूज्ड है प्लान करके अपना तारिक अली को एलिमिनेट करेंगे बोल के प्लान किया। और 18 ये 18th मतलब दिसंबर 18th के दिन रात में सब लोग तारिक अली घर के बगल में अफरोज का घर है, उसमें सब लोग मतलब पार्टी कर रहे, उस टाइम पे ही डिसाइड किया प्लान करके तारिक अली को मारेंगे बोल के। वहीं पे रिक्की किया ये 3 बाइक्स में रिक्की करके ये 7 लोग इन्वॉल्व हो गए, उसको मतलब चार चाकू से मारा इन लोगों को। उसके बाद ये लोग मतलब मनेगुड़ा बाग के गए, वहाँ पे छोटू का एक रिश्तेदार है, वहाँ पे उसको मतलब शेल्टर दिया, वहाँ पे जो भी ये सीन में कपड़े यूज़ किए उसको जला दिया ताकि पुलिस वाले मतलब ये ब्लड स्टेंस का कपड़े पकड़ ना सके बोल के। सो उसको भी हमने 201 IPC में उसको इन्वॉल्व किया। इसमें पूरा अभी सीज्ड में इसमें 4 चाकू को सीज किया और 5 मोबाइल फोन ये अक्यूज का और 2-3 मोटर बाइक्स जो भी मतलब अपना सीन ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व किया इन लोगों को पूरा हमने सीज किया। और ये तारिक अली डिसीज के ऊपर भी मतलब 2 मर्डर केसेस है, एक रेन बाजार PS लिमिट्स में है और एक अब्दुल्लापुर में PS लिमिट्स में है, दोनों भी मतलब ट्रायल पे चल रहा था। वही मतलब ये मर्डर का मेन रीज़न है, दोनों का मतलब PDS वाइज का एक इश्यू चल रहा था और बीच में अक्टूबर का भी दो जो भी मतलब
झगड़ा हुआ उसमें सेटलमेंट के लिए ये 2 लाख लिया था, ये मोटिव है बिहाइंड द मर्डर केस। सारे लोग अरेस्ट हुए या सरेंडर हुए? अरेस्ट किया हमने, अरेस्ट किए। प्रीवियस रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये बच्चों का इसमें एक जिनके ऊपर 307 केस है अटेम्प्ट मर्डर, ये संतोष नगर लिमिट्स में, वो गैंग वॉर जैसे का रखते थे। बाकी लोगों का A1 to A7 में PDS रेस का कुछ केसेस है, मतलब मेजर ग्रेव केसेस तो नहीं है, PDS रेसेस का ये लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उसका कंप्लेंट में हम लोग संतोष नगर ISSN PS लिमिट्स में केसेस बुक किए, बाकी ग्रेव केसेस नहीं है। सर इसमें सिर्फ 8 लोग ही इन्वॉल्व है या कोई और भी है? अब तक जो भी मतलब एविडेंस मिला 8 लोगों का हमने कंफर्म किया, अगर कुछ मतलब क्लूज और बाकी एविडेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन मिले तो बाकी लोगों को भी इंक्लूड करके वो लोगों को भी हम रिमांड करते हैं। नहीं, वो एंगल में भी हम मतलब इन्वेस्टिगेट किया, अब तक तो मतलब ऐसा कॉरोबरेटिव एविडेंस कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको क्लीन चिट नहीं दिया हमने, अगर कुछ एविडेंसेस प्रॉपर एविडेंसेस मिले तो डेफिनेटली विल रिमाइंड हिम ऑल्सो।